Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes. ये जो ब्लैक वाली है ना, इसे कहते हैं शकर फिश। ये जितनी भी डर्ट होती है ना अंदर साइड की, जितनी भी गंदगी होती है ये अपने अंदर सब कर लेती है, जिससे पूरा टैंक क्लीन रहता है। ये वाली देखो, हीट कर रही है, देखो देखो, धीरे धीरे डर्ट हीट कर रही है वो अपने अंदर। नहीं, माउथ से, माउथ से ध्यान से। स्कूल से निकल के पार्क में आ गया हूँ भाई मैं, और ये दोनों अभी चल रहे हैं। मैं थोड़ी देर झूले पे बैठ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया, 1:30 बज रहा है अभी। चलो घर चलते हैं। तो यहाँ बन रहे हैं मेरे सूजी के चीले, जो कि मैंने बच्चों को दे दिए। अब यहाँ पर इंतजार कर रहा है सारा स्नैक्स चीले का। स्कूल से आ गया हूँ गाइस, थक के बहुत ज़्यादा भाई। सुबह 7 बजे का गया हुआ बंदा 1:30 बजे आ रहा है, नहीं 2 बजे आ रहा है भाई, कसम से। बहुत देर हो गई है, चल के सारांश को जरा जगा देते हैं, तब से सो जा रहा है। सब समेट समाट के, सारा लपेट लपाट के, ये देखो पर हालत देखो बेड की। सारांश 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 उठो, 6 बज गए, ट्यूशन तो नहीं है। तो स्कूल नहीं है ना, स्कूल जाना है, स्कूल जाना पड़ेगा, तुमको उठना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। सो के उठ चुकी हूँ, मैंने सारांश को भी उठा दिया है, मैंने सारांश के लिए बना दी चाय, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी चाय, क्योंकि ना मेरे गले में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा अदरक काली मिर्च वगैरह सब डाल डूल के हम लौंग लेंगे। और सारांश से मैं एक काम इतने दिन से कर रही हूँ, मेरा एक काम निकल रहा है, आज मैं उसको बोलती हूँ और बोल के ही रहूँगी कि जरूर करेगा वो काम। इंडिया, आपसे हम 3 दिन से कह रहे हैं, हमारा बेड खोल दो, हमें सामान निकालना है, सामान निकालना है, सामान निकालना है, आप सुन ही नहीं रहे हो। आज वो बेड उठा दो जिससे हम अपना सामान निकाल लें। आपने 3 दिन से तो कहीं नहीं गई। ओहो, इतने सुंदर झूठ बोलते हुए अच्छे लगते नहीं हो। वर्कआउट करने के बाद मैं नहा लिया हूँ,
और आज के वर्कआउट करने के बाद शरीर मतलब थोड़ा दर्द सा भी हो रहा है, क्योंकि सुबह एक्वेरियम वगैरह उठा के लेके गए थे ना, सैंड वगैरह तो बहुत भारी थी, तो उस वजह से बॉडी में काफ़ी पेन था, पर वर्कआउट करा मैंने। क्योंकि गाइस देखो, जब एक तरीके की तुम स्ट्रीक बनाते हो, जैसे स्नैपचैट पर स्ट्रीक बनाते हो ना, वैसे हर दिन अगर एक रिदम बनी रहती ना, सही रहता है। मैंने पहले भी 2 दिन वर्कआउट नहीं करा, उसके बाद करा तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगा और थोड़ा सा मतलब बॉडी खुल सी भी गई, तो ऐसे सही रहता है। और जो लोग कहते हैं कि जिम जाके बॉडी बनेगी, जिम जाके बॉडी बने, भाई ऐसा नहीं होता। मेन बॉडी बनाना नहीं होता, मेन होता है तुम अपनी बॉडी को मेनटेन रखो। अब मैंने घर में रह रहे कितना कर लिया देख लो। तो भाई अभी मैं अपना भाई बायो का प्रोजेक्ट लेके दे बैठ रहा हूँ, मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट पता नहीं, वो इसकी ए फोर साइज शीट पर मैंने 3-4 शीट बना के लिखी थी, वो गायब ही हो गई, घर में से गायब हो गई, बताओ मिल नहीं रही, तो मैं नहीं खरीद के लाया अभी पैकेट। चलो बनाना शुरू करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। रात में बनाया है पर उबले हुए खाऊंगा मैं ग्रीन टी के साथ, मतलब ऐसे डुबा डुबा के नहीं, अलग अलग रोटी ले रहा हूँ ना ही चावल ले रहा हूँ, क्योंकि ऐप का वर्कआउट करा मैंने। चलो भाई मिलता हूँ बाद में, और बाद में मतलब बाद में। सारांश ने अपना डिनर रेडी कर लिया है, ये उसका डिनर। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठेगा चावल। डिनर वगैरह भाई साहब मैंने कर लिया, ये रही थाली नीचे रखी हुई है, देखो रख दी है, और मैं अपना काम लेके बैठ गया हूँ। और अभी रात के कितने 10 बजे ना, हाँ 10 बजे, मेरे को आधा घंटा हो गया डिनर करे हुए, और ये महान आदमी 1.5 घंटे से खेल ही रहे हैं। तो बेटा तुम 9 बजे लेके बैठ गए थे खाना खाने के साथ, उसके बाद से तुम खेल ही रहे हो, तो देख लो भाई। सर 1 घंटा हुआ डेढ़ नहीं, हाँ 1 घंटा हुआ भाई। मम्मी बाहर वॉक करने गई हैं, बस आई रही हैं, मतलब बाहर उधर रोड पे नहीं, इधर कॉरिडोर में वॉक कर रही है, जहाँ स्कूटी वगैरह खड़ी होती है, और पापा की मीटिंग थी तो पापा थोड़ा सा लेट आएंगे। चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब सब आ जाएंगे तो मिलेंगे ज़रूर। और काम धंधा कर लूँ यार, मंडे को प्रोजेक्ट देना है, एटलीस्ट 25 से 30 पेज लिखने हैं मेरे को 2 दिन में, मतलब कल ही तो देना। गाइस मम्मी आ गई है घूम के, हाय मम्मी, बाहर मौसम कैसा है सुनने में आया, हवा हवा चल रही है, ऐसा मौसम था, मैं मतलब मजबूरी में अंदर आई हूँ। अरे हाँ, जब मैं शूज रखने गया था ना शू रैक में, तब भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, इतना बढ़िया है, इतना मजा आ रहा था बाहर, मैं तो टहल तीन तीन जगह फोन पे बात करे आई है। हाँ, और भाई मेरे में अभी उसको भी देखूंगी अभी बस, और आज तेरे फोन में टेम्पर्ड या चेंज हो गया है अपना फोन, तो ऐसा तू साई फोन समझ रहा है, ₹2 का टेम्पर्ड पस और कुछ नहीं और जो इस पे कंपनी से मतलब जो फोन के साथ चढ़े हुए थे वो नॉर्मल एक पन्नी सी थी सेलोफिन की और कुछ नहीं था देखो मम्मी इसका साथ कर गई हाथ ही लेट गई हाथ धो लिया मैंने तो मतलब हाँ हाथ धो के वही सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपर करके। एक बात तो है भाई, कोरोना ने जो भी आया सबको हैंड वॉश करना अच्छा सिखा दिया। पहले पता है, पहले जैसे अब इस टाइम में नहीं होता था, लेकिन कोरोना के बाद बहुत से लोग प्रॉपर वो रूल फॉलो कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि आप घर में बाहर चप्पल उतार के घुसेंगे, घर में घुसते ही पहले आप हाथ धोएंगे, तब कुछ चीज़ छुएंगे। पहले के टाइम में हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारी मम्मी ऐसी कराती थी, ये छू लिया वो छू लिया, एक से पैर रख दिया उसमें पैर रख दिया, ऐसे कर लिया। अब आजकल तो कोई फर्क नहीं है, आओ बैठ जाओ दम। मैं गाइस मैं आप सभी को एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं टेम्पर चढ़वाने गया था अपने फ़ोन में, तब वापस जब मैं आया घर पे, मम्मी को गाइड बताएंगे, तो जब मैं वापस आया तो क्या हुआ था, मैं कान में दोनों ईयरफोन्स लगाते हुए गाने सुनते सुनते आ रहा था। अब क्या हुआ, कॉरिडोर से एक बिल्ली ने रास्ता काटा मेरे से, और मैंने कहा अरे बिल्ली चलेगी बिल्ली, तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, मम्मी मेरे को खींचे तो शायद मेरे को सुनाई नहीं दिया था, मम्मी आवाज़ चिल्लाती रही 4-5 बार आवाज़ सारांश, मैं चलता गया, मैं घर में घुसा, मैं फिर भी गाना नहीं सुन रहा था। मम्मी कह रही तेरे को सुनाई नहीं देता, शर्म आती, मैं तेरे को बता रही हूँ चिल्ला रही हूँ तेरा नाम। मैंने फिर बता रहा, मैंने कहा क्या हो गया, तेरी बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैंने कहा क्या करूँ मैं बिल्ली का रास्ता काट लूँ। मैंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, उसका कोई वो नहीं है कि भैया बिल्ली भी चलो हुआ है, बट लेकिन मैं इसको इतनी आवाज़ लगा रही थी एक सेकंड के लिए तो स्टॉप हो जाता, तो इसका मतलब यह है कि कानों में ये तरह धुत धुत था कि वो लगा के टुनटुने नहीं धुत था टुनटुने लगा के मतलब मगन था कि मेरी इसको आवाज़ सुनाई थी। पीछे से अगर कोई एक्टिवा आके इधर ठोक जाती या कोई हॉर्न बजा के बेचारा जो कहता कि फिर कहता पागल कहीं का। गाइज अब बारी इस लोग को एंड करने की, ब्लॉग पसंद आया तो आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना है, और ये वीडियो शेयर भी करनी है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे कल सुबह इन्हें तड़कते बड़कते ब्लॉग के साथ।